बताइए आज की ऑडियो की क्लास किस किस को अच्छी लगी बताइए पूरा डिटेल समझे डाटर सीट हमने किस किस बोलो का बनाया बताइए एक एक बोलो नौ बोलो का चौदह बोलो का और एक स्मार्ट पीए याद आने के बाद में कौन कौन प्रैक्टिकल करने वाला है इसी निकाल के वोल्टेज चेक करने वाला है किस किस को ऑडियो एसी के इनपुट वोल्टेज और ईएन वोल्टेज की जानकारी मिली आज आपको क्लास कैसी लगी बहुत बढ़िया से रहेगी अगर नेपाल से कोई आना चाहे तो उसका क्या क्या बोलेंगे उसके लिए जो भी नेपाल से आना चाहते हैं सीखना चाहते हैं आराम से आ सकते हैं अभी अभी एक एक चीज दिमाग में आ रहा है हाँ सर एक एक चीज दूर से ऐसी को देख के बता सकते हैं कौन सी लाइन क्या है एकदम सर नेपाली पूरा और हमारे साथ एक और स्टूडेंट है पवन कुमार लखनऊ से पवन पवन कैसी रही क्लास हमारी ऑडियो की बहुत बढ़िया था समझ में आई कि नहीं आई सर हम बहुत अच्छे हैं बाकी आपको समझ में आई कि नहीं आई जी आ गई आ गई जी क्या बोलना चाहेंगे अगर एक शब्द में बोलूं एशिया टेलीकॉम के लिए तो एशिया टेलीकॉम इज द बेस्ट चलिए मैं दिल्ली से हूँ गौरव कैसी क्या रही क्लास आप सर आज ऑडियो सेक्शन की क्लास थी सर ऑडियो सेक्शन में पूरा का पूरा डिटेल लिया आपने जी सर बिल्कुल लिया पैड टू पैड सर ड्रेसिंग भी करी हमने डायग्राम भी बनाया सर अब ऑडियो सेक्शन में कोई भी चीज़ ऐसी बची नहीं जो हमसे रह जाए से लेकर 14, 16, 30 सब जितने भी पैड टू पैड का नॉलेज दिया सर ने आईसी पैड से लेकर रिंगर पैड तक और कौन सा कंपोनेंट्स कैसे लगा रहेगा तो क्या काम करेगा और सीरीज में तो क्या काम करेगा पैरेलल में तो क्या काम करेगा कोई कौन सी कॉइल क्या करती है सर पैड टू पैड का आपको ये चीज कैसी लगी आपको ऑडियो क्लास पहले ये बोलूं कि देव सर के साथ कैसी रही बहुत अच्छी आप विस्तार से बताइए आप बिल्कुल सर देव सर ने एक एक चीज के बारे में बताया रेजिस्टेंस कंपोनेंट सब सर कैपेसिटर डायोड के बारे में कौन सा क्या काम करता है किस पे कितनी ओम्स आते हैं क्या वैल्यू है क्या है वोल्टेज कितना आता है सीपीयू से कितना आते हैं पावर से क्या होता है मतलब नॉर्मल पीए और एक स्मार्ट पीए सब के बारे में बताया सर नमस्ते सर राज कैसी रही क्लास आपकी ऑडियो की बहुत बढ़िया सर एक्सीलेंट एक्सीलेंट समझ में आया बिल्कुल सर हमारे क्लास बहुत एक्सीलेंट देने से कोई मतलब नहीं है जब तक आपकी समझ में नहीं आए आपको समझ में आया कि नहीं आ गया सर बिल्कुल आपको जीआर समझ में आया आपको वोल्टेज समझ में आया कहां फ्रीक्वेंसी चेक करनी है वो समझ में आया सर एक चीज को 6-6 बार समझाते तो समझ तो आएगा ही मुंबई से जी बताइए कैसी रही क्लास आपकी देव सर के साथ ऑडियो बहुत बढ़िया रही सर बात करूं मैं नॉर्मल आईसी की नॉर्मल रिंगर की बात करूं जो उसका आपका स्मार्ट पीए होता है उसकी बात करूं तो दोनों फॉर्मेट समझ में आए कि नहीं बहुत अच्छे समझ में आया अभी कोई ऑडियो का पीस आया जबर तुम्हारी शॉप पे तो वापस जाएगा क्या नहीं जाएगा सर जी प्रमोद बताइए कैसी रही क्लास आपकी ऑडियो बहुत ही बढ़िया रही देव सर ने जो नॉलेज दिया कहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेक करनी चाहिए कहाँ पर इनपुट वोल्टेज चेक करना कहाँ पर आउटपुट वोल्टेज चेक करना कितना आउटपुट कितना वोल्टेज आता है इनपुट पर कितना वोल्टेज आया ये जो रिंगर आईसी का है पूरा का पूरा समझ लिया देव सर के साथ हमारी ऑडियो की क्लास थी फिर सर ने ऑडियो में हमको सब कुछ सिखाया कैसे ट्रेस करते हैं जी आर कितना आता है वोल्टेज कितना आता है फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करते हैं उसके बाद हमारे लैब में फिर बाद में उसका प्रैक्टिकल किया और हमने डायग्राम बनाया डायग्राम प्रैक्टिकल से सेटिस्फाई हैं क्लास आपकी बहुत अच्छी रही बहुत डीपली नॉलेज दिया है डीपी नॉलेज मिला आपको आपको आपने उसका प्रैक्टिकल करा के नहीं करा किया सर इसके ऊपर कुछ है क्या नो सर बहुत डीपी इसके ऊपर इसकी क्लास थी ऑडियो की क्लास थी देव सर के साथ क्लास थी अब सबसे पहले अब तक ये पूछूंगा कि देव सर के साथ आपको ऑडियो क्लास कैसी लगी बहुत अच्छी लगी सर एक एक चीज बताइए आपको सर बिल्कुल हर चीज का एंडलेस सॉल्यूशन बताया बताया सर पूरा पूरा एक एक पेड बताया आईसी उठा के एक एक पेड बताया पूरा एक एक पेड का जीआर मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो क्या नाम है आपका संतोष अभी आप क्या करने वाले हैं तो सीपीयू निकल रहा हूँ कौन सा फोन है ये MI Y1 है जी तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं
के पास आरडीओ आईसी आता है तो आप प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर। कौन कौन कर सकता है? आपसे फॉल्टी फोन आरडीओ का बुलवाया था, किसी के बैग में या आपके बैग में कोई आरडीओ का फॉल्ट वाला मोबाइल बाकी है क्या? नो सर। उसमें कैसी लगी आपको क्लास आरडीओ की आज की? बेहतरीन सर। आपने उसका प्रैक्टिकल करा? प्रैक्टिकल भी किया। उसका स्कीमेटिक बनाया? बनाया सर। आईसी उठा के आपने चेक किए? चेक किया। जीआर उल्टे सब चेक किए? चेक किया सर। कोई भी आरडीओ का फॉल्ट आता है तो आप वापस जाएगा क्या? नहीं जाएगा बिल्कुल। चलिए ठीक है, सारी चीजें क्लियर है? यस सर। आप वोल्टेज ढूंढ लेंगे? यस सर। जो जो वोल्टेज आते हैं प्रोटोकॉल वाली लाइन है वो आपकी समझ में आई सारे? सर चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरा ठीक है, एक एक चीज समझ में आई है? बिल्कुल समझ में आई। और आपने उसका प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया सर। बात तो फिर वापस डायग्राम वगैरह सब सेट किया। अभी इस गुजरात से। नाइस, कैसी रही क्लास आप भाई आपकी? और सर बढ़िया रही सर, 9 से लेकर 14 16 30 सब जितने भी पैड टू पैड का नॉलेज दिया सर ने, आईसी पैड से लेकर रिंगर पैड तक, और कौन सा कंपोनेंट्स कैसे लगा रहेगा तो क्या काम करेगा, और सीरीज में तो क्या काम करेगा, पैरेलल में तो क्या काम करेगा, कोई कौन सी कोइल क्या करती है सर, पेट टू पेट। आपको ये राज कैसी रही क्लास आपकी आरडीओ की? बहुत बढ़िया सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। समझ में आया? बिल्कुल सर। हमारे क्लास बहुत एक्सीलेंट देने से कोई मतलब नहीं है जब तक आपकी समझ में नहीं आए। आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। बिल्कुल। आपको जीआर समझ में आया? आपको वोल्टेज समझ में आया? कहां फ्रीक्वेंसी चेक करनी है वो समझ में आया? सर एक चीज को 6-6 बार समझाते तो समझ तो आएगा ही। मुंबई से जी जाकर बताइए कैसी रही क्लास आपकी देव सर के साथ आरडीओ? बहुत बढ़िया रही सर। आज बात करूं मैं नॉर्मल आईसी की, नॉर्मल रिंगर की बात करूं जो उसका आपका स्मार्ट पीओ था उसकी बात करूं तो दोनों फॉर्मेट समझ में आए कि नहीं आए? बहुत अच्छे से। अभी कोई आडियो का पीस आया जबर तुम्हारी शॉप पे तो वापस जाएगा क्या? नहीं जाएगा सर। जी प्रमोद बताइए कैसी रही क्लास आपकी आडियो? बहुत ही बढ़िया रही। देव सर ने जो नॉलेज दिया कहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेक करनी चाहिए, कहाँ पर इनपुट वोल्टेज चेक करना है, कहाँ पर आउटपुट वोल्टेज चेक करना है, कितना आउटपुट कितना वोल्टेज आता है, इनपुट पर कितना वोल्टेज आया, फिर जो रिंगर आई सी का है पूरा का पूरा समझ लिया उन्होंने। देव सर के साथ हमारी ऑडियो की क्लास थी, सर ने ऑडियो में हमको सब कुछ सिखाया कैसे ट्रेस करते हैं, जीआर कितना आता है, वोल्टेज कितना आता है, फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करते हैं, और उसके बाद हमारे लैब में फिर बाद में उसका प्रैक्टिकल किया और हमने डायग्राम प्रैक्टिकल से सेटिस्फाई हैं आप? आज जी सर। कैसा लगा आपको देव सर के साथ? बहुत अच्छा सर, डीपली नॉलेज दिया ऑडियो सेक्शन का। हाँ, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, कितना वोल्टेज आता है, कितना जीआर आता है और कहाँ से आता है ये सब बताया। फ्रीक्वेंसी के बारे में? फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बताया सर। और अभी आपने लाइव प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया? किया सर, पूरा डायग्राम बनाया आईसी का बनाया और कहां पूरा डायग्राम बनाया महाराष्ट्र से। प्रमोद क्या क्लास थी भाई आज आपकी? आज ऑडियो आईसी की क्लास थी। तो ऑडियो आईसी क्लास थी, तुम्हारा ऑडियो बजा कि नहीं बजा? यस सर बजा। बजा? यस सर। तुम्हारे मोबाइल में ही बजा ना ऑडियो? यस सर। और बात करूं वोल्टेज की, बात करूं फ्रीक्वेंसी की, बात करूं जीआर की, आईसी उठाने के बाद, आईसी लगाने के बाद सारी चीज करवा दी आपको? प्रैक्टिकल करके देखा आपने? यस सर प्रैक्टिकल। कैसी लगी आपको क्लास ऑडियो? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। पूरा एंडलेस सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला सर? पूरा। वो बात करूं मैं रिंगर से लेके तो सीपीयू तक पूरा की पूरी जो उसकी जो ट्रैक आती है पूरी ट्रैक मिली सर, एक एक चीज की एक बॉल का नॉलेज हुआ। हां सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक दिल्ली से गौरव, कैसी क्या रही क्लास आज? सर आज ऑडियो सेक्शन की क्लास थी सर। ऑडियो सेक्शन में पूरा का पूरा डिटेल लिया आपने? जी सर बिल्कुल लिया, पैड टू पैड सर ट्रेसिंग भी करी हमने, डायग्राम भी बनाया सर, ऑडियो सेक्शन में कोई भी चीज़ ऐसी बची नहीं जो हमसे रह जाए। बोलिए कैसी रही क्लास आपकी? बहुत अच्छी रही सर। ऑडियो का एंडलेस सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला? मिला सर, सब मिला। ऑडियो की क्लास थी, ऑडियो की क्लास थी, देव सर के साथ क्लास थी। अब सबसे पहले अब तक ये पूछूंगा कि देव सर के साथ आपको ऑडियो की क्लास कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी सर, एक एक चीज बताइए आप सर। बिल्कुल हर चीज का एंडलेस सॉल्यूशन बताया? बताया सर, पूरा बताया, पूरा एक एक पेड बताया, आईसी उठा के एक एक पेड बताया, पूरा एक एक पेड का जीआर बोलता जम्मू कश्मीर को, और ये उसी धरती से आए हुए हैं जी। बताइए क्या क्लास थी भाई आज हमारी? अपने आईसी उठा के सारे पेड्स की जानकारी ली है, उसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है जी, 9 बॉल के आईसी से लेके 42 के बॉल के आईसी। वेरी गुड सर, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जो आज तक का जिनका इनका एक्सपीरियंस जो भी है वो हमसे पूरा शेयर करते हैं, पूरा डाल देते हैं एक्सपीरियंस जी सर। कोई रखते तो नहीं है बाजू में? नहीं, कोई बात नहीं। जेब में रख के ले जाते हो, दो जर्किन में रख के ले जाते हो, टी शर्ट के जेब में रख के ले जाते हो, ऐसा तो नहीं करते ना? कल आपकी क्लास है ग्राफिक्स की, इसी टाइम वापस मिलेंगे हम कि ग्राफिक्स में हमने पढ़ाया और आपके समझ में आया कि नहीं आया, इसी जानकारी को देने के लिए कल इसी टाइम हम आपसे डबल से वापस मिलेंगे, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ग्राफिक्स के लिए आपको। थैंक यू सर, गुड नाइट। यार एक बार क्लैपिंग खुद के लिए कर लो, एक बार खुद के लिए।
चलिए इधर देखिए, आज हमारी किस सेक्शन की क्लास थी? आज हमारी ऑडियो से रिलेटेड क्लास थी, रिंगर और स्पीकर ये सारी चीज़ की क्लास थी। तो ऑलमोस्ट अगर अभी हम बात करें, कोई भी फ़ोन हो हमारा, कहाँ पे हमारी रिंगर आई थी, कहाँ पे हमारा ऑडियो सेक्शन है, देख करके पहचान जाएंगे जी सर। उसमें कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, कब आउटपुट होगा, कब इनपुट होगा, सब देख करके बता लेंगे जी सर। अभी आप प्रेसिंग कर रहे हैं? यस सर। चलिए ठीक सर। सर चलिए, क्या कर रहे हैं भैया? रिंगर आईसी चेक कर रहे हैं। रिंगर आईसी चेक कर रहे हैं, पहचान पा रहे हैं? यस सर। अपने रिंगर सेक्शन को पहचान पा रहे हैं? यस सर, वही डायग्नोस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ चेक कर रहे हैं आप, बताइए थोड़ा सा। वो दो कॉइल है, ओके, एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है। तो ये जो रिंगर आईसी है हमारी, तो इसमें देख करके पहचान जाऊंगा कहाँ पे कितने वोल्टेज आने चाहिए, कितने 1.8, कितने 4 वोल्टेज, कब 2.8 निकलेगा, सब कुछ पहचान जाऊंगे। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं अभी आप? सर रिंगर आईसी चेक कर रहे हैं। तो ये तो 5 है, और भी जो भी बोर्ड होगा उसमें अपना ऑडियो सेक्शन पहचान जाएंगे कहाँ पे लगा हुआ, कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, कब आना चाहिए, सब कुछ पता है, पहचान। चलिए ठीक है, चेकिंग करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं अभी? वोल्टेज चेक कर रहा हूँ मैं। वोल्टेज चेक करना चाहिए, यहाँ पे कहाँ पे लगा आपका रिंगर आईसी, बताइए। यहाँ से ओके, तो चलिए अभी कैसी रही ऑलमोस्ट क्लास हमारी? समझ में आ रहा सब कुछ? चलिए प्रैक्टिकल में। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? रिंगर आईसी चेक कर रहे हैं। कौन सा मॉडल है ये? सैमसंग M30। कहाँ पे इसका ऑडियो सेक्शन निकाल रहे हैं? अच्छा, अभी निकाल रहे हैं। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास हमारी आज? बहुत बहुत अच्छी। रिंगर का प्रॉब्लम आता है मार्केट में? सबसे ज़्यादा आता है। तो अभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे? फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करें। हाँ जी, क्या कर रहे हैं अभी आप? प्रैक्टिस कर रहा हूँ रिंगर आईसी का। कहाँ पे लगा रिंगर आईसी, सही? ये देखो, देख करके पहचान जाएंगे यहाँ पे कितने 1.8, कितने 2.8 और 4 वोल्ट दबाना चाहिए, सब कुछ मालूम है। ओके, 1.2, 1.8 दो बार। ओके ओके, ठीक है। क्या कर रहे हैं अभी सर? रिंगर आईसी का प्रैक्टिकल और उसका लेआउट बना रहे हैं, पीछे के लेआउट। अच्छा, तो ऑलमोस्ट कैसी रही क्लास हमारी? फाइन, बहुत अच्छी सर, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। हाँ जी, क्या कर रहे हो? रिंगर ऐसे खोज ट्रेक कर रहे हैं। सेक्शन बताइए कहाँ पे? जी सर, यहाँ पे। चलिए, तो 5A कॉमन सेट हो गया। अगर कोई दूसरा सेट होगा तो उसमें, चलिए इसमें अच्छा थोड़ा पटा चुका है, देख के इसमें कहाँ पे हमारा रिंगर ऐसे, यहाँ पे। अच्छा, देखते हैं पहचान जा रहे हैं। यस सर। चलिए, और भी जो भी इसके अलावा भी कोई बोर्ड होगा उसमें भी देख करके पहचान जाएंगे, एक बार में पहचान जाएंगे। कैसे रही ओवरऑल क्लास हमारी? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं? रिंगर का ट्रेस कर रहे हैं। रिंगर कैसी रही ऑडियो सेक्शन आज हमारी? बहुत अच्छी लगी। मतलब ऑडियो से रिलेटेड जो भी फॉल्ट आएगा उसको फाइंड आउट कर पाएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसका क्या क्या सलूशन हो सकता है, सब आपने लाइव देखा? देखा। चलिए ठीक है, कंटिन्यू। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? ऑन बोर्ड है ये? यस। तो ऑन बोर्ड में इसका रिंगर सेक्शन होता है, कहाँ पे है? ये इसका रिंगर सेक्शन है। तो यहाँ पे आपको कब कितना वोल्टेज चेक करना है वो आप कर लेंगे अभी। कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत बढ़िया। मार्केट में रिंगर से रिलेटेड फॉल्ट आते हैं? यस यस। फाइंड आउट कर पाएंगे उसमें? सब कुछ नॉलेज दिया गया कि मतलब बस थोड़ा सा ये पढ़ा करके बोल दिया गया, हो गया, खत्म हो गया? बहुत अच्छा। ओके, एक्सप्लेन। ओके, सिखाते हैं जीआर की तरह, वोल्टेज की तरह, सब कुछ, डीसी टू डीसी में, मैन पावर आईसी में कितना कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, सब कुछ ए टू जेड, मैन आईसी में जा रहा है। स्मार्ट पीए भी आपने देखा, लेटेस्ट सर्किट A50 में, ये सब लेटेस्ट सर्किट है ना? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हालांकि जियो में भी आता है, जियो में भी स्मार्ट पी है। चलिए, क्या कर रहे हैं भैया? रिंगर आईसी वो चेक कर रहे हैं। रिंगर आईसी पहचान रहे हैं कहाँ? पहचान है जी जी, ये लगी। ओवरऑल कैसी रही क्लास हमारी? बहुत अच्छी था। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? ट्रेसिंग कर रहे हैं। रिंगर की सर, देख सकते हैं। ओवरऑल कैसी रही रिंगर से रिलेटेड फॉल्ट आते हैं मार्केट में? बहुत ज़्यादा आते हैं सर। फाइंड आउट कर पाएंगे अभी आप? कहाँ पे हमें कौन सी आईसी पे काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ पता चला? हाँ सर, सब पता चला। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। ठीक है, कर रहे हैं आप? रिंगर आईसी का डाटा शीट बना रहे हैं। कितने बॉल की रिंगर आईसी है?
14 और 16 दोनों ही आता है। कैसे भी ओवरऑल आप देख करके पहचान जाएंगे हमारे रिंगर सेक्शन कहाँ है, ऑडियो सेक्शन कहाँ पे है। चलिए ठीक है, बैठिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप? सर ऑडियो सेक्शन की टेस्टिंग कर रहे हैं। ऑडियो की टेस्टिंग कर रहे हैं आप यहाँ पे? तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत अच्छी रही सर। ऑडियो से रिलेटेड फॉल्ट आते हैं मार्केट में? जी आते हैं। तो आप उसको मतलब फाइंड आउट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कोई भी फ़ोन हो, चाहे ये Xiaomi का फ़ोन है या नोकिया सैमसंग, कोई भी फ़ोन होगा अपना ऑडियो सेक्शन पहचान जाएंगे। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप? कहाँ पे है रिंगर आईसी बताइए? वो BQ है। रिंगर आईसी अच्छे से देखिए और वॉच करिए कहाँ पे लगी। पहचान जा रहे हैं, देख के पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे? क्या पहचान हो सकती है रिंगर आईसी की बताइए? रिंगर आईसी की पहचान बताइए। साथ में या दो चप्पल लगे। तो अभी आपको अभी भी कन्फ्यूजन है कोई? थोड़ा बहुत है सर। तो प्रैक्टिस इसीलिए तो कर रहे हैं हम, थोड़ा बहुत है तो वो क्लियर हो जाए हमारा। चलिए ठीक है। यहाँ पे हमें कितना वोल्टेज चेक करना है, कब चेक करना है सर? याद आपका 4 वोल्ट की पहले चेक करना है, फिर उसके बाद आपका 1.8। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए, उसको ट्रेस करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? क्या है ये, कौन सी आईसी? ये रिंगर आईसी है, ऑडियो आईसी MI5A की। रिंगर आईसी है ये? फुल टेस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो ओवरऑल कैसी रही क्लास हमारी? बढ़िया सर। समझ में आ रहा है सारा कुछ? चलिए ठीक, कंटिन्यू करिए जी। क्या कर रहे हैं आप? रिंगर आईसी। कहाँ पे रिंगर सेक्शन है इसका? इसका रिंगर सेक्शन है। तो हमें यहाँ पे आईसी के पास क्या क्या वोल्टेज चेक करना है, क्या EN चेक करना है, कौन सा हमारा कंट्रोल लाइन है, सब कुछ चेक कर पाएंगे? इससे रिलेटेड क्या फॉल्ट आ सकता है उसको फाइंड आउट कर पाएंगे? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं आप? सर भाई रिंगर आईसी ट्रेसिंग कर रहे हैं। रिंगर आईसी ट्रेसिंग कर रहे हैं। कैसी रही ओवरऑल क्लास हमारी आज की? बहुत अच्छी रही। हर एक दिन नया सीखने को मिल रहा है? जी सर, जी सर। अब प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है पूरा टाइम? जी सर, बहुत टाइम मिल रहा है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं आप? रिंगर आईसी का सर चेक मार रहे हैं। ये जो आपने लिखा हुआ है पूरी आईसी की डिटेल, किस आईसी में क्या आना चाहिए, कैसी रही ओवरऑल क्लास हमारी? बहुत अच्छी रही। इधर देखिए। हाँ, कैसी रही क्लास हमारी? बहुत अच्छी। ऑडियो से रिलेटेड मार्केट में काफी फॉल्ट आते हैं, बिल्कुल अब उसको फाइंड आउट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। देव सर का पढ़ाने का तरीका कैसा रहा? बहुत अच्छा। चलिए, समझ में आ रहा है सब आपको? बिल्कुल। चलिए कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? ऑडियो आईसी चेकिंग कर रहे हैं। ऑडियो आईसी को ट्रेस कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं कि ऐसे ही कर रहे हैं? समझ के सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। आप क्या कर रहे हैं? सर रिंगर आईसी को ट्रेस कर रहा हूँ। सर रिंगर आईसी को ट्रेस कर रहे हैं। कैसे रहा ऑडियो सेक्शन आज हमारा? सर बहुत बेस्ट। हमें यहाँ पे कब कहाँ पे कितना वोल्टेज चेक करना है कर पाएंगे आप? यस सर। ओके, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? सर रिंगर आईसी सेक्शन। रिंगर आईसी है, रिंगर आईसी को ट्रेस कर पा रहे हैं? जी सर। तो ओवरऑल कैसी रही क्लास हमारी? बहुत बढ़िया रही सर। समझ में आ रहा है? जी सर। चलो ठीक। हाँ, क्या कर रहे हैं अभी आप? सर मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ। ट्रेस कर रहे हैं? जी सर। तो ये ऑडियो से रिंगर सेक्शन कहाँ पे लगा है इसका? सर इसका रिंगर सेक्शन ये रहा, और तो आज हमने इसको समझा दिया और इसका मैंने डायग्राम भी बनाया। ओके, दिखाइए। ये अभी आपने अभी बनाया है कि पहले से बनाया है? सर ये अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया है, 10 मतलब अभी प्रैक्टिकल क्लास में बनाया ना? जी सर। क्या बोलना चाहेंगे, मतलब कैसे लग रही है, रोज नया सीखने को मिल रहा है? जी सर, बिल्कुल नया सीखने को मिल रहा है। अब मार्केट में जितने भी फॉल्ट आ रहे हैं रिंगर से रिलेटेड, सर ने इतना डीपली एक्सप्लेन कराया कि कोई भी फॉल्ट अगर रिंगर से रिलेटेड आया तो मैं उसको कर सकता हूं, फाइंड आउट कर पाएंगे। जी सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं अभी आप? ट्रेसिंग कर रहे हैं सर। ट्रेसिंग कर रहे हैं। हाँ सर, कहाँ पे रिंगर सेक्शन है इसका? अच्छा, इस आईसी के पास हमें क्या क्या वोल्टेज, कितने वोल्टेज चेक करने हैं, ये आईसी कवर करेगी, इसमें कंट्रोलिंग लाइन क्या होती है, पूरा डीप नॉलेज दिया गया आपको? डीप नॉलेज। स्मार्ट PA जो लेटेस्ट सर्किट है उसका भी नॉलेज दिया गया? नॉलेज दिया। अभी ओवरऑल मार्केट में काम आते थे आप? तो जाहिर सी बात है कि आप काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मार्केट में ऑडियो से रिलेटेड काम आते थे बहुत ज़्यादा? अभी फाइंड आउट कर पाएंगे? फाइंड आउट अभी कर पाएंगे। चलिए। तो गाइज, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमारा आज जो सेक्शन था ऑडियो का सेक्शन था, और सारे स्टूडेंट यहाँ पे कर रहे हैं प्रैक्टिकल, कहाँ पे स्मार्ट PA हो, चाहे वो D8 हो, जो भी हमारा IC हो, वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, सारा कुछ वोल्टेज के साथ से कर रहे हैं। थैंक यू, ऐसे मिलते रहेंगे, कल उनका ग्राफिक्स है, फिर लाइट, और ऐसे डे बाई डे सेक्शन चलता रहेगा। थैंक यू सो मच अभी तक।